लाइब्रेरी सफर का आगाज करता हूँ। अब आप सब यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना देना हो। शेर कुछ ऐसा मैं सुनाऊंगा, शेर कुछ ऐसा मैं सुनाऊंगा, सच का मैं आईना दिखाऊंगा, सच का मैं आईना दिखाऊंगा। चाहे हालात आज भारत के, चाहे हालात आज भारत के, आप लोगों को मैं बताऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को मैं बताऊंगा। चाहे हालात आज भारत के, आप लोगों को मैं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बतें। दोस्तों, मैं ईशा एकेडमी के मैदान में खड़ा हूँ। अगर मैंने तालीम पर बात नहीं कही तो ना इंसाफी होगी। मैं भी क्लास फिफ्थ का एक स्टूडेंट हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इस मुशायरे से ये अहद करके जाइए कि एक वक्त भूखा रह लेंगे, लेकिन अपने भाई बहन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे किसी का एक शेर याद आ रहा है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं चांद से हाजिर करता हूँ। काफी देर से देख रहा हूँ कि पीछे वाले लोग खामोश हैं। अब आप सब इस मुशायरे से जुड़ जाएं। तीरगी को हमें मिटाना है, बाएं वाले लोग खामोश हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस मुशायरे से जुड़ें कि तीरगी को हमें मिटाना है, इल्म की शम्मा अब जलाना है, इल्म की शम्मा अब जलाना है, बच्चे अब्दुल कलाम बन जाए, बच्चे अब्दुल कलाम बन जाए, ऐसा बच्चों को अब पढ़ाना है, बच्चों को अब पढ़ाना है, ऐसा बच्चों को अब पढ़ाना गे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जालिमों के हौसले इस वक्त बहुत बढ़ चुके हैं। कभी ईरान, कभी सीरिया, कभी फिलिस्तीन, कभी बर्मा, कभी अफगान के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा कि अमेरिका ने अफगान के जलसे दस्तारबंदी में सबसे ज्यादा हुफाज़े इकराम को बम से उड़ा दिया। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूं बतौर खास। कभी ईरान पर हमला, कभी अफगान पर हमला, कभी ईरान पर हमला, कभी अफगान पर हमला, यहाँ पर रोज होता है मेरे ईमान पर हमला, यहाँ पर रोज होता है मेरे ईमान पर
पर हमला, खुदा तू भेज दे फिर से अब अबीलों का लश्कर अब, खुदा तू भेज दे फिर से अब अबीलों का लश्कर अब। वो जालिम कर रहे हैं हाफिज़े कुरान पर हमला, वो जालिम कर रहे हैं हाफिज़े कुरान पर हमला, कभी ईरान पर हमला कभी अफगान पर हमला। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, मैं माँ के हवाले से चार मिसरा हाजिर करता हूँ। माँ जैसी कीमती दौलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इसकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कीमती दौलत हाथ से निकल जाती है। जब मैं 7 साल का था तभी मेरी माँ का साया मेरे सर से उड़ गया। मैं चार मिसरा हाजिर करता हूँ और यहाँ मेरी माँ बहनें भी मौजूद है। मैं इन सबकी दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। जो दिल में दर्द है ऐ माँ, उसे किसी को बताऊं मैं। जो दिल में दर्द है ऐ माँ, उसे किसी को बताऊं मैं। हुआ है चाक दामन माँ, इसे किसी को दिखाऊं मैं। हुआ है चाक दामन माँ, इसे किसी को दिखाऊं मैं। हुई रुखसत तू जब से घर दागन हो गया सोना, हुई रुखसत तू जब से घर कर के माँ किसी को पुकारो मैं। भरा है घर मगर माँ, भरा है घर मगर कह कर के माँ किसी को पुकारो मैं। हुआ है चाक दामन माँ, इसे किसी को दिखाओ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बतें। मुझे पता है कि अब आप सब मुझसे क्या सुनने की उम्मीद में बैठे हैं। आइए सीधे सीधे मैं अपने पुराने तेवर में आता हूँ। अगर आप सबकी तालियां वालियां बजती रहेगी तो मुझे और हौसला मिलेगा, मैं और हिम्मत के साथ पढ़ सकूंगा। आए दिन हिंदुस्तान में बलात्कार की घटना और मेरे ये चार मिसरे। बहुत अफसोस होता है जब देश ऐसे दौर से गुजर रहा हो और साहब है कि चुप्पी तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक ट्वीट तक नहीं आया साहब का कठुआ और उन्नाव कांड पर। तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ बोलूं। मैं बोलूंगा क्योंकि एक शायर का काम है समाज को आईना दिखाना। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। नीम की लकड़ी को चंदन जो कहते हैं, अब आप सब यहीं से मुशारे को मुशारा बना दें। पीछे वाले लोग खामोश हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझसे जुड़े। नीम की लकड़ी को चंदन जो कहते हैं, कातिल मुजरिम को कैसे पहचानेंगे, कातिल मुजरिम को कैसे पहचानेंगे। हाथों में सरकार है बे औलादों के, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह आप सब बहुत समझदार लोग हैं, आप सब समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। नीम की लकड़ी को चंदन जो कहते हैं,
قاتل مجرم کو کیسے پہچانیں گے قاتل مجرم کو کیسے پہچانیں گے ہاتھوں میں سرکار ہے بے اولادوں کے ہاتھوں میں سرکار ہے بے اولادوں کے درد بھلا اولاد کی وہ کیا جانیں گے وہ کیا جانیں گے درد بھلا اولاد کی وہ کیا جانیں گے بہت بہت شکریہ آئیے دوستو میں چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں اور خصوصی توجہ چاہتا ہوں قیام الدین بھائی کی دعائیں چاہتے ہوئے شعر حاضر کرتا ہوں ہوائے ہوائیں نفرتوں کی چل رہی ہے روز بھارت میں ہوائیں نفرتوں کی چل رہی ہے روز بھارت میں محبت بھائی چارے کے سہانے دن وہ لوٹا دو محبت بھائی چارے کے سہانے دن وہ لوٹا دو یہ اچھے دن تمہارے جا لے لیں گے غریبوں کی یہ اچھے دن تمہارے جا لے لیں گے غریبوں کی گزارش گزارش ہے ارے صاحب پرانے دن وہ لوٹا ہے ارے صاحب پرانے دن وہ لوٹا دو گزارش ہے ارے صاحب پرانے دن وہ لوٹا دو بہت بہت شکریہ دوستو پچھلے دنوں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ نیرو مودی بینک سے کروڑوں روپے لے کر دیش سے فرار ہو گیا مودی جی کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے پردھان منتری مت بنائیے چوکیدار بنائیے چوکیدار یہ کیسی چوکیداری ہے صاحب نیرو مودی بینک سے کروڑوں روپے لے کر دیش سے فرار ہو گیا اور آپ کے سر پر جو تک نہیں لگی قیام بھائی گڈو بھائی ایک سمپل سی بات ہے میں جانتا ہوں اگر گھر میں چوری ہو جائے کتا بھونکے نہ تو اس کا مطلب ہے کہ کتے کو بسکٹ ضرور ملا ہے یہ کیسی خاموشی لب پہ جاری ہے یہ کیسی خاموشی لب پہ جاری ہے لگتا ہے ان کی بھی ساجھے داری ہے لگتا ہے ان کی بھی ساجداری ہے نیرو مودی لے کے کروڑوں بھاگ گیا اٹھا میرا گئے مصرے کو یہ نیرو مودی لے کے کروڑوں بھاگ گیا صاحب جی یہ کیسی چوکیداری ہے چوکیداری ہے صاحب جی کیسی چوکیداری ہے خدا کا شکر ہے کہ کوئی مسلم پیسہ لے کر نہیں بھاگا ورنہ کیا ہوتا جانے وہ کیا کیا افواہ اڑا دیتے جانے وہ کیا کیا افواہ اڑا دیتے میڈیا والے اس کو اور ہوا دیتے میڈیا والے اس کو اور ہوا دیتے کوئی بھی مسلم بھاگتا پیسہ لے کر تو کوئی بھی مسلم بھاگتا پیسہ لے کر تو سے بھی لون جہاد بتا دیتے اچھا بھائی لون جہاد بتا دیتے بھکت اسے بھی لون جہاد بتا دیتے
दोबारा पढ़ूं, एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे हुक्म दे। जाने वो क्या क्या अफवाह उड़ा देते, मीडिया वाले इसको और हवा देते। कोई भी मुस्लिम भागता पैसा लेकर तो, कोई भी मुस्लिम भागता पैसा लेकर तो, अरे भक्ते से भी लोन जिहाद बता देते। भक्त इसे भी लोन जिहाद बता देते, भक्त इसे भी लोन जिहाद बता देते। दोस्तों, पिछले दिनों आपके गोरखपुर फूलपुर में उपचुनाव हुआ, नतीजा ये आया कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री खुद अपने सीट नहीं बचा पाए। याद रखे, अपने ज्यादा दिनों तक नहीं पल सकती, याद रखें नफरत ज्यादा दिनों तक नहीं पल सकती। मशायर हूं इसलिए मैं बोलूंगा, मचान इसे हाजिर करता हूं बतौर खास नजर करें। बातों के अंबार लगा कर बैठ गए, वादों के अंबार लगा कर। अरे आप नाराज ना होइए, इन वादों के अंबार लगा कर बैठ गए, नफरत की तकरीर सुना कर बैठ गए। नफरत की, बहुत शुक्रिया, कि नफरत की तकरीर सुना कर बैठ गए। बात जो करते थे विकास की यूपी में, खुद वो अपने से दबा कर बैठ गए, गवा कर बैठ गए। खुद वो अपने से गवा कर बैठ गए। आइए चार मिश्रे और हाजिर करता हूँ, बजाता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां आप सब कमेटी वालों के लिए बजा दें। वादों के वो अंबार लगाने में रह गए, वादों के वो अंबार लगाने में रह गए। नफरत का पाठ सबको पढ़ाने में रह गए, नफरत का पाठ सबको पढ़ाने में रह गए। भतीजा भतीजा भुवन जीत लिया उपचुनाव को, भतीजा भुवन जीत लिया उपचुनाव को, वो सब करेंगे भगवा कराने में। वो सब करेंगे भगवा कराने में रह गए। महाराज के द्वारों मैं जाते जाते आप सबसे सिर्फ इतना कह के जाता हूं, याद रखना मुझे, याद आऊंगा मैं, याद रखना मुझे, याद आऊंगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं, शायरी ख्वाब सुनाऊंगा मैं भूपचा मुझे बस दुआ दीजिए, मैं भूपचा मुझे बस दुआ दीजिए, बनके इकबाल तुमको दिखाऊं। सब्सक्राइब करें इस बटन को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि हमारे